अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बना रहे हैं कैरी का शरबत, जिसके लिए मैंने 3 ली हैं कैरियाँ और इसे मैं रख दूंगी बॉईल करने के लिए जब तक कैरी बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। जब कैरी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर मैं इसके छिलके उतार दूंगी और मैं इसका गूदा अलग कर लूंगी। ये काम हम बहुत ही एहतियात से करेंगे क्योंकि कैरी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो बहुत ध्यान से करेंगे हम ये। अच्छा, तो कैरी के शरबत के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैंने लिए हैं 3 कैरियों का गूदा, इसके अलावा मैंने लिया है 1/4 कप चीनी, 1 प्याली मैंने ली है पुदीने की पत्तियाँ, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें लिया है काला नमक, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है नमक और 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया है ज़ीरा और 1/2 ग्लास मैं लूँगी पानी। अब ब्लेंडर में मैं सबसे पहले डाल रही हूँ कैरी का पल्प। फिर मैं इसमें शामिल करूंगी चीनी, पुदीने की पत्तियां, नमक, काला नमक और जीरा। आखिर में इसमें शामिल करूंगी मैं 1/2 ग्लास पानी और इसे अच्छी तरीके से हम कर लेंगे ब्लेंड। अब मैंने जग लिया, उसमें मैं सबसे पहले शामिल करूंगी कैरी का पेस्ट जो अभी हमने ब्लेंड किया था वो। फिर मैं इसमें शामिल करूंगी बर्फ। आप इसमें जितनी बर्फ शामिल करेंगे उतना ही ठंडा और उतना ही रिफ्रेशिंग लगेगा आपको। 4 से 5 ग्लास मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी के। आखिर में मैं इसमें शामिल करूंगी पुदीने की पत्तियां थोड़ी सी। इस सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मजेदार सा कैरी का शरबत तैयार है। ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।